हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको लौकी की बर्फी बताएंगे जो कि बिना मावा के होगी। बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी से बन जाने वाली हम आपको लौकी की बर्फी बताएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी लौकी को छील लेना है। छील के हमें पीसेस कट कर लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे छील लिया है। अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, मैंने ये कद्दूकस ले लिया है और मैं इसे इस तरीके से करूँगी कि इसके जो बीच के जो बीजे दिखाई दे रहे हैं इन्हें छोड़ करके साइड साइड का ये मैंने कस लेना है इसे कुछ इस तरह से। ये मैंने इस तरीके से इसके बीजे को छोड़ दिया है। ऐसे ही हमें सारी कर लेनी है। इस तरीके से लच्छा बनाना है हमें। फ्रेंड्स देखिए, मैंने सारे तैयार कर लिए हैं, सारे तैयार कर लिए हैं। अब हमें देखिए क्या करना है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक कटोरी फ्रेश मलाई ली है जो कि मैंने अभी दूध से निकाली है। तो हमें ये सबसे पहले कढ़ाई में डालनी है और थोड़ी देर चलाना होगा। फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई ले ली है। मैंने ये मलाई इसमें डाल दी है। अब हम इसे थोड़ी देर चलाएंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए। फ्रेंड्स, ये मेल्ट हो चुकी है पूरी तरह से। तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे। फ्रेंड्स, ये 350 ग्राम मेरी चीनी है, हम इसमें डाल देंगे। इसे धीमे धीमे चलाएंगे हम। चीनी हमारा मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, तब तक का हम वेट करेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसे चलाते रहना है ताकि ये चीनी लगे ना नीचे तले में। फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है हमारी। अब हम इसमें अपनी जो लौकी हमने कस के रखी हुई है, अब हम उसे डालेंगे। इसमें साथ में डाल देंगे तो वो अच्छे से पक भी जाएगी और तैयार भी हो जाएगी। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसे पकाएंगे। चलाते रहना है हमें, बंद नहीं करना है। धीमे धीमे चलाते रहना है ताकि ये लगे ना। ये हमारी थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी, तब हम आपको दिखाएंगे। चलाते रहना है हमें। फ्रेंड्स, 5 मिनट्स हो गए हैं, मैंने ये बराबर उस चलाया है 5 मिनट से। हमें इसे चलाते रहेंगे जब तक कि ये इसकी जमने की वो कंसिस्टेंसी बन जाएगी। तो हम तब तक इसे चला लेते हैं और हम इसे 5 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे। पाँच मिनट के बाद में हम आपको दोबारा दिखाएंगे इस पे, तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हमारे जो लौकी के बचे हुए टुकड़े हैं इन्हें हम फेंकेंगे नहीं, इनका यूज़ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक हम अपनी बर्फी को रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी हमारे पास गरी है, ये हम डालेंगे उसमें। चलिए, 5 मिनट हो गए, हम चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहले से बहुत थिक हो गई है।
केवल 5 मिनट और लगेंगे, टोटल 15 मिनट लगेंगे, हमारी बर्फी जो है रेडी हो जाएगी। तब तक हम इसमें ये डाल देते हैं। फ्रेंड्स देखिए हमारी रेडी हो चुकी है, इसका कलर चेंज हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई कलर खाने वाला रखा हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास लेमन येलो का कलर ये है तो मैं इसे यूज़ करूँगी। आप चाहें तो ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देना। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आ रहा है। फ्रेंड्स हमारा कलर अच्छे से मिल चुका है और हमारी जो मिक्सचर है वो भी कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो अब हम अपनी थाली को रेडी कर लेते हैं जिसमें हम इसे जमाएंगे। और फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें थोड़ी देर इसे ठंडा होने तक चलाना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो ये इसी में जम जाएगी। थोड़ा सा ठंडा करना है फिर हम इसे थाली में डाल के जमाएंगे। तो फ्रेंड्स पहले हम अपनी थाली रेडी कर लेते हैं फिर हम थोड़ी देर चला करके उसमें डालेंगे। फ्रेंड्स मैंने ये थाली ले ली है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। मैंने ये रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, मैंने इसे हाथों से चला लेना है इस तरीके से पूरे में। मैंने इसमें ऑयल लगा लिया है। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें अपनी बर्फी को डाल देते हैं। फ्रेंड्स देखिए मैंने ये जमा ली है, अब हम इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए और आपको हम जल्दी से इसके पीसेस करके दिखा सकें। फ्रेंड्स तो हम इसे फ्रिज में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। फ्रेंड्स देखिए ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है, अभी पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है। तो हमने इसे ज़्यादा देर रखा भी नहीं है, केवल 2 मिनट रखा है फ्रिज में। तो हम इसके पहले पीसेस कट कर लेते हैं। हमने इसे कट कर लिया है, अब हम आपको इसे निकाल करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स फ्रेंड्स देखिए हमारी बहुत ही यमी बनी है। और ये फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है टेस्ट में, मैंने टेस्ट करके देखा है कि ये बगैर मावा की हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।